बड़ी। तो भाई बोर्ड आ गया है, 31 मार्च को आपका बोर्ड का पेपर है। तो सबसे पहली बात, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने पेपर को बहुत अच्छे से करिएगा, स्ट्रेटेजाइज करिए पेपर को कि आगे से करना है, पीछे से करना है पेपर, पहले किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा ऑसम रखिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप रॉक करने वाले हैं अपने इन पेपरों में, ठीक है। और बस इसी के बाद आखिरी पेपर है, उसके बाद सीयूटी की तैयारी जम से जम के करेंगे, और फिर बस इसी तरीके से हम लोगों को अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, फिर जीवन हमारा बहुत अमेजिंग रहेगा। आज लेकिन आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट कहने के अलावा मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन भी है जो मुझे आपको करवाना है। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन क्लास में, मेरे जब वो रिविजनरी क्लास में आ रहा था, 2 बार पूछा था, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया था बिकॉज आई वॉन्टेड अ बिगर ऑडियंस कि मैं उनको ये जब इसको एक्सप्लेन करूं। तीसरी क्लास में मैंने उसको एक्सप्लेन करा, लेकिन क्लास में एक्सप्लेन करा, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। तो तेजस्वी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई बाकी सबको भी पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देते हैं, और बिलीव आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। और आइए, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। आसना एक एलुमनाई है सीबीएसई स्कूल की, ये सब चीजें बकवास है। इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 स्मार्ट पे इशू ने करा है 5:1 के उसने बोनस शेयर इशू करे हैं। 5:1 का मतलब ये होता है कि जिसने एक शेयर के लिए अप्लाई किया, सॉरी जिसके पास 5 शेयर हैं उसको एक शेयर अलॉट किया गया है फ्री में। तो वो होता क्या है कि रिजर्व्स को, सरप्लसेस को, प्रॉफिट्स को बोलो कंबाइन करके शेयर्स बना देते हैं बेटा। तो 5 जिसके पास शेयर्स हैं उसको एक शेयर फ्री में दे दिया गया है। तो जिस इंसान के पास 5 लाख शेयर्स हैं उसको 1 लाख शेयर्स जो है आपने एकदम फ्री में दे दिया है, इसका ये मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, 5:1, और प्रॉफिट है मेरे पास 7,50,000 का, बहुत बढ़िया। इन अराइविंग एट दीज प्रॉफिट्स फॉलोइंग चीजें जो है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। अच्छा जी, ये क्योंकि ये वाली वीडियो मैं YouTube में भी डालूंगा, तो YouTube के बच्चों के लिए मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी हमारे बच्चों को तो क्लास में अच्छे से पता ही है। देखो बेटा, EBT कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट से EBT कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे वर्किंग नोट वाला पार्ट होता है। फिर हम लोग OPBWCC कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये हमारे मिडिल वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई चीज जानी है तो हम लोग इसको ऊपर वाला बोलते हैं यू, और यहां पर कोई चीज जाती है तो हम लोग उसको मिडिल वाला बोलते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए, इंटरिम डिविडेंड ऊपर वाली चीज है, डेप्रिसिएशन मिडिल वाली चीज है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सॉरी लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, मजेदार पॉइंट है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने अपने कोर्स में सीखा था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो कहां जाता था, मिडिल, लेकिन लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर क्या ये एक ऑर्डिनरी आइटम है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है भाइयों बहनों, ये वाली चीज ऊपर जाए। तो ये जो लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर है ये ऊपर जाए, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इस आग लगने के कारण जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है। रोज थोड़ी ना आग लगती है, और अगर आग लग गई तो उसका इंश्योरेंस भी रोज थोड़ी ना मिलता है। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स है, ये सारी की सारी चीजें ऊपर जाएंगी। तो आपको पता होगा ये क्या होता है, ईबीटी एग्जैक्टली क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियस ही बात है ये मिडिल में माइनस करते हैं। टैक्स रिफंड का बहुत अच्छा पॉइंट है, टैक्स रिफंड को भी हम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की तरह क्लासिफाई करते हैं, ये भी ऊपर की साइड माइनस होता है। और जो नीचे जो टैक्स पेड होता है उस टैक्स पेड में से माइनस होता है। तो मान लेते हैं कि हमने 50,000 का टैक्स पे करा है जिसमें से 20,000 का रिफंड मिल गया, तो इफेक्टिवली मेरे जेब से 30 रुपए गए ना। तो बिल्कुल वैसे टैक्स पेड 50 माइनस रिफंड हो गया 20, तो मैं माइनस करूंगा 30 रुपए। तो टैक्स रिफंड की 2 जगह एडजस्टमेंट होती है, कहां कहां पे, एक तो ऊपर जाता है और एक टैक्स पेड में से माइनस हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है।
इक्विटी शेयर्स 10 से 12 ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आई बिलीव आपको पता है ये, कैश इन हैंड दे रखा है, मशीनरी 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत सारी चीज दे रखी है। नीचे चलते हैं जरा, आपने साल के दौरान गुडविल परचेज करी है, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 1,60,000, करंट ईयर का 2,00,000, करंट ईयर की हमें कोई लोड नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, 1,60,000 विल बी कंसिडर्ड। अब क्वेश्चन अगर बोलता कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई हम कर लेते, क्वेश्चन ही कुछ पता नहीं अजीब सी बात बोल रहा है, वो इस बार अलग अलग चीजें मांग रहा है आपसे, वो कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, मतलब वो जो है ये वाली चीज मांग रहा है। चलो भैया अगर वो ये वाली चीज मांग रहा है तो उसको यही वाली चीज दे देते, यहीं पर करके दिखा दूं या चलो यार यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी बताओ बेटा क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे, सबसे चलो यार अलग से करके दिखा, अच्छे से करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास है, फर्स्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट 7,50,000 रुपए था, ठीक है, जितना याद है हमें एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जितना मुझे याद है ये 7,50,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद जो जो चीजें हैं सब कुछ, क्या क्या चीजें जो हमें बेसिक चीजें पता थी, सबसे पहली क्या चीज होती है, इंटरिम डिविडेंड, ये रहा 90,000 प्लस इंटरिम डिविडेंड 90,000 प्लस प्रपोज डिविडेंड 1,60,000 था, याद है ये रहा नीचे था 1,60,000 क्योंकि 2,00,000 को तो कंसिडर नहीं करना था, ठीक है, प्रपोज इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद क्या होता था बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, यार एक बात बताओ यहाँ पे कोई नीचे एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, टैक्स रिफंड का कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है ना नीचे अगर एडजस्टमेंट गिवन होगा तो अकाउंट बनेगा, और अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो साल की शुरुआत वाले को हम पेड़ मानते हैं, साल के अंत वाले को हम लोग मेड मानते हैं, तो यहाँ पे 80,000 का प्रोविजन मेड आ जाएगा प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेस 80,000 रुपए का आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स आता है, जनरल रिजर्व 1,50,000 से 1,50,000 कोई ट्रांसफर, ये रहा ना 1,50,000 से 1,50,000 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दो चीजें और बताई थी मैंने आपको, एक तो बेटा ये लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है यार, ऊपर की साइड प्लस होगा, प्लस लॉस ड्यू टू फायर, यार कितने का था लॉस ड्यू टू फायर, 20,000 रुपए का, और इंश्योरेंस क्लेम 10 का मिल गया, इसको भी माइनस कर देते हैं, 20,000 का माइनस इंश्योरेंस क्लेम 10,000, ठीक है, और एंड में टैक्स रिफंड है हमारे पास 20,000 रुपए का, तो ऑब्वियसली ये भी रिफंड है, हम लोग इसको माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स रिफंड 20,000 रुपीज। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि यार ये रिफंड को माइनस क्यों किया तो प्लस होना चाहिए, बेटा आप इसको ऐसे सोचो कि एक टाइप की एबनॉर्मल इनकम होगी ना मेरे पास, अगर एबनॉर्मल इनकम हो गई तो माइनस ही तो होगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। तो ये आ गया मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, हाँ जी सॉल्व करते हैं इसको, 750 है प्लस 90, 840 प्लस 1,60,000 हो गया है, तो 840, 940, 10,00,000, 10,00,000 इसका हो गया 11,00,000, 11,00,000 में से 30,000 माइनस हो गया तो 10,70,000, तो ये लो जी पहला पॉइंट हो गया, आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा यही है, और अगर कुछ गलती हो गई तो यार माफ कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे भी मुझे बता देना मैंने क्या गलती कर ली। नंबर टू, सेकेंड क्वेश्चन, आपको बोला गया है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओ मेरे भाई ये तो यहाँ तक तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है इनको बदलते हैं, यहाँ तक तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, यहाँ तक जाना है तो मुझे मिडिल वाली सारी की सारी चीजों को कंसिडर करना है, ठीक है ओके। तो भैया मिडिल वाली सारी चीजों में सबसे क्या क्या चीजें आती है भैया, तो डेप्रिसिएशन आता है 40,000 का, चलो भैया ऐड कर देते हैं, तो ये ईबीटी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स 10,70,000 का हो गया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है डेप्रिसिएशन को जो कि 40,000 का है, एक ऐड होगा इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ, आपको कैसे पता सर, क्योंकि बेटा मैंने देखा था साल की शुरुआत में 80,000, साल के अंत में 30,000 रुपए, और कह रहा है 20,000 का मैंने परचेज करा है,
तो गुडविल अकाउंट बनेगा, बीडी में आएगा 80, सीडी में आएगा 30, परचेज करा है हमने कितने का, 20 का, तो मेरे पास 70 का जो है एमोर्टाइजेशन आ गया है 70,000 रुपए का। ये रहा 70,000 रुपए का। उसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है बेटा और भी वैसे तो? अच्छा हाँ ये रहा, एक बात बताओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, इसका भी तो इंटरेस्ट आपको मिला होगा, तो जो इसका इंटरेस्ट मिला है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 3 लाख रुपए साल की शुरुआत में, 4 लाख रुपए साल के अंत में, तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम यही अज्यूम करते जो हुआ साल के अंत में हुआ है, तो जो परचेजिंग हुई साल के अंत में हुई, पूरे साल 3 लाख का करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा मेरे पास, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए हम लोग उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव 30,000 नेगेटिव, तो कितना हो गया बेटा ये 80,000 प्लस कर दोगे तो 11,50,000 रुपए का OPBWCC। चलो जी थर्ड पॉइंट आइए दोस्तों, जरा देखते हैं कि इसमें एक तो मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, चलो छोटा सा बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बीडी दे रखा है मुझे 2 लाख, सीडी दे रखा है मुझे 3 लाख, उसके बाद एक मुझे दे रखा है डेप्रिसिएशन, एक मुझे दे रखा है लॉस, लॉस को बिल्कुल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पर एक तो मुझे दे रखा है डेप्रिसिएशन 40 का, और लॉस पीएनएल मुझे दे रखा है कितने का, 20 का, तो ये हो गया है 160 का परचेज बैंक के नाम से। तो थर्ड नंबर पे सबसे पहली बात हम करेंगे माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 1,60,000 नेगेटिव में माइनस, और देखते हैं और क्या माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी है भाई 3 लाख से 4 लाख की, देख रहा होगा आपको, ये रहा इन्वेस्टमेंट मैंने 3 लाख से 4 लाख की खरीदी है, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। और एक मुझे ध्यान आ रहा है परचेज ऑफ गुडविल भी था क्वेश्चन में 20,000 रुपए का, एक ये रहा 20,000 रुपए का परचेज ऑफ गुडविल था, इसका अकाउंट बना रखा है हमने, 20,000 का गुडविल भी आ गया। ओके जी ये 3 चीजें माइनस हो गई। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट था उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस भी होगा, कितना करा था हम लोगों ने, ऊपर 30 था तो यहाँ पे 30 प्लस हो गया। और एक चीज और प्लस जो बच्चा भूल जाएगा, और वो क्या है बेटा, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम में मिल रहा था 10,000 रुपए का, ये इंश्योरेंस क्लेम कौन सी एक्टिविटी के कारण मिला है, इन्वेस्टिंग के कारण ना, तो ऊपर एक तो आपने इसे, लेट मी यूज माय हाइलाइटर, ऊपर एक तो आपने इंश्योरेंस क्लेम को माइनस कर दिया था क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, और इसको आप लोग पना इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम को 10,000 रुपए। ठीक है 160, 260, 280 माइनस 42 लाख, 40,000 का नेगेटिव आ रहा है। लो जी थर्ड भी हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिए 5 नंबर के लिहाज से बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन चलिए कोई बात नहीं यार, जीवन में हर चीज थोड़ी ना आसान मिलेगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे बड़ी गलती बच्चा पता क्या करेगा, इक्विटी शेयर 10 लाख से 12 लाख वो जाके 2 लाख प्लस कर देगा। बताओ आप ये गलती करने वाले थे ना, मुझे पता है आप करोगे दोस्तों, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ऊपर बोनस इशू था 5:1 का। 5:1 का मतलब क्या है, जिसको 5 मिलने थे उसको 1 फ्री में मिल गया, तो 10 लाख वाले को 2 लाख शेयर फ्री में मिल गए, तो वो 12 लाख शेयर हो गए। तो ये इशू ऑफ शेयर्स के कारण ये पैसे नहीं बढ़े हैं, ये पैसे बढ़े हैं बिकॉज ऑफ बोनस इशू, तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स का कुछ नहीं होता। हाँ अगर ये 13 लाख होते, मतलब मान लेते हैं ये 10 लाख से 13 लाख होते, तो इसका मतलब क्या, 12 लाख तक तो बोनस के कारण बढ़ा है, और जो 1 लाख है वो इश्यू ऑफ शेयर्स के कारण। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एक और बच्चों के दिमाग में पॉइंट आता है, सर अगर प्रॉफिट को उसने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसको ऑपरेटिंग में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया। सर आपको कैसे पता? अरे भाई 5 लाख से 3 लाख हो रहा है ना, और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी एक पॉइंट था कि इशुइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, उस पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज। कनेक्टिविटी देख रहे हो दोस्तों, पढ़ाई की इस तरीके से पढ़ाई करनी है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा हाँ एक चीज और है आपको, अच्छा तो मैंने बताई दिया था इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट।
ओके जी, तो और क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे? फाइनेंसिंग में क्या बचा है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके जी, तो बैंक ओ अच्छा मैंने ये तो देखा ही नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख से 2.5 लाख तो प्लस हो रहा है, प्लस बैंक ओडी 50,000 रुपये आ गया है। उसके अलावा हमारे पास जो है और कुछ तो मुझे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो बस यही है यार, इंटरिम डिविडेंड बचा है और प्रपोज डिविडेंड बचा है, उन दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, बताओ बेटा कितने कितने थे? 90 और 160। 90 160 कितने होगा? 2,50। तो यहां पर आ गया है 2 लाख रुपए का आउटफ्लो। पांचवा क्वेश्चन इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके भाई, ये तो सबसे आसान है, 2 लाख और 1.5 लाख कैश का बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बैलेंस, आंसर इज 3,50,000। देखिए परेशानी है तो इस वीडियो को एक बार और आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यार किसी दोस्त की हेल्प हो जाएगी तो जो मैं थोड़ा, हाँ अब मैं दिख रहा हूँ ना पूरा, तो दिक्कत परेशानी है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त की हेल्प हो जाएगी तो उस दोस्त की हेल्प कर दो, उसको शेयर कर दो ये वाली वीडियो। और सीवीडी वगैरह के लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस यार अभी तो सब्सक्राइब वब्सक्राइब छोड़ो, अभी तो बस ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आग लगा दो एग्जाम। ठीक है, 31 तारीख को मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।